हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज़ आज हम अपने चैनल के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं नॉर्म्स कंडीशंस फॉर ओपनिंग स्कूल अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड का पार्ट टू पार्ट वन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा चैनल पे भी, भी आप इसको जाके चेक कर सकते हैं वहाँ पे मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए थे और हमने एंड किया था प्रोविजनल एफिलिएशन पर मतलब कि कुछ बेसिक कंडीशंस थी जिनको फुलफ़िल कर दिया गया और बोर्ड ने हमें प्रोवाइड कर दी थी प्रोविजनल एफिलिएशन इसका मतलब है कि तीन साल तक हमें कुछ एडिशनल कंडीशंस जो थी वो फुलफ़िल करनी पड़नी है उन कंडीशंस को जब हम फुलफ़िल कर लेंगे तो उसके बाद हमें बोर्ड द्वारा परमानेंट एफिलिएशन मिल जाएगी दोबारा देखिए कुछ कंडीशंस हैं जो पार्ट वन में मैंने डिस्कस की है उसमें मैंने बताया है कि ये कंडीशनस को आप सॉल्व कर दोगे ना फुलफ़िल कर दोगे तो आपको जो बोर्ड है वो प्रोविजनल एफिलिएशन दे देगा तीन साल के लिए उन तीन सालों में आपको कुछ एडिशनल प्रोविजन्स जो हैं वो फॉलो करनी है वो फॉलो जब हो जाएंगी तब आपको जो है वो परमानेंट एफिलिएशन जो है वो इशू कर दी जाएगी बोर्ड द्वारा सीबीएसई बोर्ड द्वारा ठीक है अब हम देखते हैं कि वो कौन सी कंडीशन हैं जो आपको फुलफ़िल करनी ज़रूरी है ताकि आप परमानेंट एफिलिएशन जो है वो ले सकें चलिए देखते हैं पहली कंडीशन क्या है इन्फ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ जो पर्टिकुलर स्कूल है जिसको जिसके लिए आप एफिलिएशन चाहते हो वहाँ का इन्फ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए सबसे पहले साइज़ ऑफ क्लासरूम शुड बी अप्रोक्सीमेटली फाइव हंड्रेड स्क्वायर फीट जो क्लासरूम का साइज़ है वो फाइव स्क्वायर फीट होना चाहिए फिर साइंस लैब्स के लिए क्या प्रोविज़न है कॉम्पोजिट फॉर सेकेंडरी क्लासेस मतलब जितनी भी टेंथ तक की क्लासेस हैं उन सभी के लिए एक लैब होनी ज़रूरी है कॉम्पोजिट मतलब यहाँ पे आप फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो तीन साइंस के पार्ट्स होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो इन तीनों के एक्सपेरिमेंट्स इस पर्टिकुलर लैब में करवाए जाएंगे और जो टेन प्लस टू के टेन प्लस टू या टेन प्लस वन है प्लस वन प्लस टू की क्लासेज हैं जिनको कहा जाता है सीनियर सेकेंडरी क्लासेस उनके लिए सेपरेट लैब्स होंगी केमिस्ट्री बायो एंड फ़िज़िक्स फ़िज़िक्स की अलग लैब बायो की अलग और केमिस्ट्री की अलग लैब ठीक है नेक्स्ट लाइब्रेरी शुड बी फुली इक्विप्ड विद बुक्स एंड रीडिंग रूम फैसिलिटीज शुड बी अवेलेबल जो लाइब्रेरी है आपके स्कूल की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं बुक्स की वो सारी फुलफ़िल होनी चाहिए और एक रीडिंग रूम भी अवेलेबल होना चाहिए जहाँ पर बच्चे आराम से बैठ के बुक्स को पढ़ सके फिर स्कूल हैव हाँ सेपरेट कंप्यूटर एंड मैथ्स लैब साइंस लैब के साथ साथ कंप्यूटर्स एंड मैथ्स लैब भी आपके स्कूल में होनी चाहिए द तो स्कूल मस्ट हैव हाँ सेपरेट रूम्स फॉर म्यूज़िक डांस आर्ट एंड स्पोर्ट्स मतलब कि कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स अपने अपने स्कूल में इंट्रोड्यूस किए हैं तो उनके लिए सेपरेट रूम्स होने चाहिए म्यूज़िक का पीरियड स्टूडेंट्स म्यूजिक रूम में जा लगाएं डांस का डांस वाले रूम में आर्ट का आर्ट एंड क्राफ्ट रूम में और साथ ही साथ स्पोर्ट्स रूम भी हो जहाँ पे स्पोर्ट्स की जितनी भी इक्विपमेंट्स है वो वहाँ पे रखी गई हो ये थी प्रोविजंस इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर रिलेटेड नेक्स्ट जर्नल कंडीशन क्या है एडमिशन्स एंड विड्रॉल रजिस्टर्स आर मेनटेन प्रॉपरली हर स्कूल के पास कुछ रजिस्टर्स होते हैं कि किन बच्चों ने एडमिशन्स ली कौन कौन से बच्चे हमारे स्कूल से चले गए हैं ये सारा रिकॉर्ड जो है वो प्रॉपरली रखा होना चाहिए नो टीचर्स आर अपॉइंटेड ऑन एड हॉक बेसिस यहाँ पर आप बच्चे ठीक कर लेना एड ए डी आना है एड हॉक बेसिस एड हॉक का मतलब होता है टेम्परेरी बेसिस पे जनरली कॉलेज में जब टीचर्स को अपॉइंट किया जाता है ना वो एडहक बेसिस पे होता है जैसे कि आप हमारे कॉलेज में आके पढ़ाइए नाइन मंथ्स का आपका टेन्यर होगा अपने नाइन मंथ्स का टेन्योर जो है वो कंप्लीट कर लिया उसके बाद दोबारा से आपका इंटरव्यू होगा और आप हमारे स्कूल में कॉलेज में दोबारा पढ़ा सकते हो बट स्कूल के लिए उन्होंने बोला है एडहॉक बेसिस बिल्कुल नहीं होगा जिन टीचर्स को आप अपॉइंट करोगे वो परमानेंट टीचर्स होंगे आपके स्कूल के ठीक है द सर्विस रिकॉर्ड्स ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ आर ड्यूली मेनटेन हर टीचर का रिकॉर्ड रखा जाएगा पूरा कब अपॉइंटमेंट हुई थी अगर टीचर को uh, स्कूल से निकाल दिया गया या टीचर ने खुद रिज़ाइन किया तो प्रॉपर उस चीज़ के ऊपर मेंशन होगा कि क्यों रेजिग्नेशन दिया टीचर ने या स्कूल ने उनको क्यों यहाँ स्कूल से निकाला और कितनी छुट्टियाँ ली टीचर्स ने क्या उनके वर्किंग एक्सपीरियंस थे क्या उन्होंने एक्टिविटीज़ कंडक्ट कराई ये सारा रिकॉर्ड जो है वो इन पर्टिकुलर रजिस्टर्स में रखा जाएगा नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अब सी ने कुछ प्रोविजंस दी हैं जो स्कूल्स को माननी पड़ती हैं क्या है अप टू सेकेंड नो बैग नो होमवर्क स्कीम इंट्रोड्यूस की है वो स्कूल्स को फॉलो करनी पड़ती है फिर एट्थ स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड तक सी सी ई विद नो पास फेल क्राइटीरिया मतलब कि एट्थ क्लास तक आप बच्चों को फेल नहीं कर सकते सी सी ई मीन्स कंटिन्यूज एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेलुएशन ये जो है टॉपिक आई थिंक बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं अपने बी एड के सिलेबस में और कईयों ने इस, इसको स्टडी करना भी होगा इसके ऊपर आप डिटेल में जो है उस टाइम पे स्टडी करोगे अभी जस्ट आप इतना ही समझ लो ये एक इवेल्युएशन का क्राइटेरिया होता है जिसमें ये चेक किया जाता है बच्चे की कैपेबिलिटीज को इसमें जो है उसकी स्टडी भी आ जाती है उसका बिहेवियर भी आ जाता है उसका कोक्रिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन भी आ जाता है मतलब ओवरऑल एक बच्चे के लिए डेवलपमेंट के लिए जो जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं उन सभी को इवेलुएट किया जाता है अंडर सी सी ई एवेलुएशन आगे थर्ड टू फिफ्थ इंट्रोड्यूस्ड ऑल्टरनेटिव होमवर्कस ये भी ऑल्टरनेटिव होमवर्क स्कीम्स हैं मतलब कि एक दिन आप कुछ होमवर्क दे दो फिर नेक्स्ट डे आप कुछ और चीज़ दो बच्चों को ड्राइंग वगैरह दे दो कोई एक्टिविटी घर पे करने के लिए दे दो ऐसी प्रोविजंस फिर सिक्स टू एट्थ लाइफ स्किल एजुकेशन मतलब कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ कुछ स्किल्स भी सिखाए जाएं जैसे डांसिंग हो गया पेंटिंग हो गया आजकल बच्चों को स्पोर्ट्स के अलग अलग गेम्स में भी इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं फिर है सिक्स टू टेंथ इंटरनल असेसमेंट मतलब कि अगर आप हंड्रेड मार्क्स का एग्ज़ाम ले रहे हो तो उसमें से सेवेंटी मार्क्स का आप रिटर्न एग्ज़ाम रख दो और थर्टी मार्क्स की आप असेसमेंट रख दो जिसमें आप उनकी नोटबुक्स कैसे बन रही हैं वो देख सकते हो फिर वो एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं प्रोजेक्ट्स कैसे कर रहे हैं प्रोजेक्ट फाइल कैसे मेंटेन कर रहे हैं इसके अलग अलग नंबर्स आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो ये था क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्राइटेरिया जो हर स्कूल को फॉलो करना पड़ता है नेक्स्ट एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स एडमिशन इन स्कूल शेल बी विदाउट एनी डिस्टिंगशन ऑफ रिलीजन रेस कास्ट एंड क्रीड इन सभी के बिना एडमिशंस ली जाएंगी स्कूल में कोई भी रिलीजन के बेसिस पे किसी भी के साथ भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा रिजर्वेशन ऑफ एस सी एस टी स्टूडेंट शेल बी गवर्न बाई द रूल्स एप्लीकेबल टू द स्टेट वेयर द स्कूल इज सिचुएटेड अब इसके ऊपर हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि लोअर कास्ट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स स्टूडेंट्स के लिए हर स्कूल में कुछ ना कुछ सीट्स को रिज़र्व रखा जाता है जो उस स्टेट में जहाँ पे वो स्कूल सिचुएटेड है उस स्टेट ने जो रूल्स बनाए होंगे वो सारे रूल्स उस स्कूल को फॉलो करने होंगे अगर वहाँ की स्टेट की गवर्नमेंट ने बोला है कि आप ट्वेंटी परसेंट सीट्स जो हैं वो एस सी एस टी स्टूडेंट्स के लिए मेंटेन करोगे तो आपको ट्वेंटी परसेंट सीट्स जो है वो मेंटेन करके रखनी पड़ेंगी आपको एडमिशन एस सी एस टी स्टूडेंट्स को देनी ही पड़ेगी उनके लिए स्कॉलरशिप्स आ रही हैं वो भी आपको उनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी मतलब गवर्नमेंट ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन रखे हैं वो आपको मानने होंगे अगर आप नहीं मानोगे तो डेफ़िनेटली आपको एफिलेशन नहीं मिलेगी इसलिए ज़रूरी है नेक्स्ट ग्रांट ऑफ एफिलिएशन अब ये पॉइंट्स आपने स्टडी कर लिए कि कौन कौन से एडिशनल कंडीशंस उनको माननी पड़ती हैं अब द परमानेंट एफिलिएशन विल बी ग्रांटेड आफ्टर फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ स्कूल एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ द बोर्ड दैट द स्कूल इज मीटिंग ऑल द कंडीशन प्रिस्क्राइब फॉर द सेम परमानेंट एफिलिएशन देते टाइम एक इंस्पेक्शन कमेटी जो है वो स्कूल में आके चेक करती है जो कंडीशंस कमेटी ने रखी हैं या सी बी एस ई बोर्ड ने रखी है ये स्कूल ने फुलफिल की है या नहीं अगर तो की है फुलफ़िल उनको जो है उसी टाइम पे एफिलिएशन ग्रांट कर दी जाती है अगर नहीं की होती तो उनको एफिलिएशन ग्रांट नहीं की जाती अब यहाँ पे वो कंडक्ट करेंगे इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन कंडक्ट करने के बाद वो एफिलिएशन दे देंगे इंस्पेक्शन इज कंडक्टेड बाय अ कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ थ्री मेंबर्स इंस्पेक्शन कंडक्ट की जाएगी एक कमेटी द्वारा जिसमें होंगे टोटल थ्री मेंबर्स द स्कूल्स विच आर पर्मांटली एफिलेटेड विल ऑब्जर्व वेरियस डूज एंड डोंट्स मैंशन इन चैप्टर टू ऑफ एफिलिएशन बाय लॉज सी बोर्ड ने एफिलेशन बाय लॉज इंट्रोड्यूस किया हुआ है जिन स्कूल्स को एफिलिएशन मिल गई उन स्कूल्स को चैप्टर टू में लिखे हुए जितने भी डूज हैं है, वो मानने होंगे अगर वो इन रूल्स को नहीं मानेंगे तो उनकी एफिलिएशन कैंसिल हो सकती है ओके लर्नर्स दिस वॉज ऑल अबाउट द पॉइंट्स दैट यू हैव टू फॉलो वेन अ स्कूल इज मेकिंग अ प्रोविजन टू गेट एफिलिएशन फ्रॉम सी बी एस ई बोर्ड ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं अपने क्वेश्चन में पार्ट वन भी कंप्लीट करोगे और पार्ट टू भी उसके बाद आपका कंप्लीट जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा रही बात हिंदी पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए बच्चे पॉइंट की हेडिंग आप इंग्लिश में लिख दो एक्सप्लेनेशन मेरी सारी हिंदी में होती है उसी तरह आप एक्सप्लेनेशन को अपने क्वेश्चन में लिख सकते हो ओके लर्नर्स दिस वाज ऑल अबाउट अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लो कॉमेंट जरूर करना और लाइक like और शेयर भी कर देना थैंक यू